तो चलिए दोस्तों, मेरा इस नए वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज की एक और बेहतरीन लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो चलिए, कल 5 अगस्त 2024 को एक और बेहतरीन धमाकेदार सेमीफाइनल मैच खेला गया था जमशेदपुर एस्पोर्ट एसोसिएशन का, जो प्रीमियर डिवीजन का लीग था, हालांकि यहां पर मैच में एक तरफा जैसे मुकाबला हुआ, क्योंकि टाटा स्टील, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे विंगर है, फॉरवर्ड है, जो कि काफी चर्चित में है। पहले तो विकास नायक, झारखंड को उभरता हुआ सितारा, और एक हाइट कम फाइट ज्यादा, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, सुनील लोहार काफी चर्चित में रहा कल के मुकाबले में, सुनील लोहार, और लास्ट में नाथो यानी कि मदरूस, उसका भी एक गोल देखने को मिला था टाटा स्टील की ओर से। और उसके बाद यहां पर झारखंड स्पोर्टिंग क्लब की ओर से अंतिम 90 मिनट के क्षण में वहां एक गोल रिटर्न किया है, लेकिन ये नाम का। तो चलिए, कल 6-1 से पहला सेमीफाइनल का जीत, ऐतिहासिक जीत यहां पर टाटा स्टील ने यहां पर जीत हासिल की है, क्योंकि कल शुरुआती क्षण में एक फ्री किक का मौका मिला था विकास नायक को, और बेहतरीन शॉट के जरिए एक पहला गोल का यहां पर विकास नायक के नाम रहा। लेकिन उसके बाद पुल्ले धड़ाका दुम धड़ाका गोल यहां पर सुनील लोहार का, कल हैट्रिक गोल देखने को मिला था। सुनील लोहार कल हैट्रिक गोल मारा है अपनी टीम टाटा स्टील के लिए, जो कि काफी लाजवाब कल खेला है। उसके साथ साथ विकास नायक का 2 ऐतिहासिक गोल रहा, और उसके बाद नाथो हेमरम, जो कि ये भी उड़ीसा का प्लेयर है, कल 6-1 का एक ऐतिहासिक जीत टाटा स्टील को मिला, क्योंकि पहला सेमीफाइनल जीत के साथ साथ पिछले साल की तरह पूरी तरह से फाइनल में प्रवेश कर चुका है टाटा स्टील की टीम। आज है 6 अगस्त 2024, आज है बड़ा मुकाबला, करो या मारो का स्थिति में दोनों है टीम, जो कि जमशेदपुर FC रिजर्व टीम और टाटा मोटर्स की टीम। तो चलिए, दोनों ही टीम में जमशेदपुर FC रिजर्व की बात करें, यह भी एक बेहतरीन टीम है, क्योंकि सभी टीम को यहां पर पछाड़ते हुए अभी तक का सीजन 2024-25 में काफी अच्छा खेला है। लेकिन वहीं पर साधु मरांडी की टीम भी कम नहीं है, साधु मरांडी को देखना होगा कि आज का सेकेंड सेमीफाइनल में क्या रणनीति के साथ अपने टीम को उतारता है और जीत के लिए, क्योंकि पिछले साल 2023-24 का सीजन में जमशेदपुर FC रिजर्व और टाटा मोटर्स का ही सेमीफाइनल मैच खेला गया था, लेकिन वहां पर जमशेदपुर ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भी पुनः अगेन यानी कि जमशेदपुर FC रिजर्व और टाटा मोटर्स की टीम यहां पर भिड़ चुका है, और देखते हैं कि पूरे नए इतिहास की जीत होती है या यहां पर टाटा मोटर्स अपना जीत को आगे बढ़ाने में सफल हो पाते हैं, क्योंकि पिछले साल का विनर जमशेदपुर FC रिजर्व, और वहीं पर उससे पहले टाटा मोटर्स चैंपियन बना था, लेकिन पिछले साल टाटा मोटर्स बाहर हो चुका था सेमीफाइनल में, और आज कड़ी परीक्षा है साधु मरांडी के लिए। तो चलिए, साधु मरांडी के फैन और जमशेदपुर FC के रिजर्व के फैंस, अगर आप आज देखना चाहते हैं तो चलिए, सुमंत मोरगांवकर स्टेडियम टेल्को ग्राउंड पर आज सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। मौसम सुहाना है, पूरी तरह से बूंदाबांदी 4-5 दिन से जारी है, देखते हैं कि आज कितना ऑडियंस आज जमशेदपुर के सपोर्ट में या टाटा मोटर्स के सपोर्ट में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अब ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि जमशेदपुर जीतेगा या टाटा मोटर्स जीतेगा। तो चलिए, मेरे इस नए वीडियो में जो भी आप लोग नए दोस्त, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए, इसी के साथ मैं हूं राजेश, स्टूडियो फुटबॉल ऋषिका की ओर से धन्यवाद, जोहार।